हेलो भाई, जैसा कि आप जानते हैं 2021 आ चुकी है। 2021 के अंदर आप अगर ऑनलाइन वर्क नहीं करते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा देरी कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन वर्क करके आप अपने ड्रीम वगैरह काफ़ी अच्छी तरीके से पूरी कर सकते हैं, काफ़ी इजी तरीके से पूरे कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा फेम मिल जाता है आपको। अपने पैशन को आप फॉलो कर सकते हैं उस तरीके से ऑनलाइन वर्क के अंदर। तो ऑनलाइन वर्क अगर आप करना चाहते हैं तो आपके सामने मैंने वेबसाइट खोल रखी है, जो कि आप सामने देख सकते हैं, bloggers.com। क्रिएट अ यूनिक एंड ब्यूटीफुल ब्लॉग एंड इट इजी एंड फ्री, एकदम आपके लिए फ्री वेबसाइट है गाइस। इस वेबसाइट पर आप अपना ब्लॉग बनाइए। इस वेबसाइट ब्लॉग बनाने से पहले मैं आपको अर्निंग दिखाऊँ इस वेबसाइट से। top 10 इंडियन ब्लॉगर हैं जो हमारे जो इस वेबसाइट से अर्निंग करते हैं, काफ़ी अच्छी अर्निंग करते हैं। देख सकते हैं आप सामने, अमित अग्रवाल ये 60,000 रुपये महीने के कमाते हैं इस वेबसाइट से। अपना ब्लॉग बना रखा है इन्होंने, देख सकते हैं नीचे देख सकते हैं, हर्ष अग्रवाल ये 52,000 रुपये कमाते हैं। फैसल फारूकी 50,000 रुपये, श्रद्धा शर्मा 30,000 रुपये, वरुण कृष्णन 22,000 रुपये। ये top 10 है गाइज, ये काफ़ी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं इस वेबसाइट से। तो आप भी कर सकते हैं, काफ़ी एकदम फ्री है, आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगाना इसके अंदर और काफ़ी ईजी तरीके से आप इसके अंदर अपना ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले ये वेबसाइट खोल लेनी है सामने वाली। ये इस प्रोसेस सारा मैं अपने फ़ोन के अंदर करके दिखा रहा हूँ आपको गाइस। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है या फिर आपको लैपटॉप में ज़्यादा काम नहीं करना है तो आप अपने फ़ोन के अंदर इसको काफ़ी अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अगर आप इसको ये देखते हैं तो आप सीधा इसको रिडायरेक्ट कर सकते हैं अपने ईमेल आईडी से कनेक्ट करके, तो ये सीधा मेरे रिडायरेक्ट हो गया। सामने देख सकते हैं ऐसा कुछ आपके पास इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लॉग्स लिखा है, ऑल ब्लॉग्स लिखा है, ब्लॉगर्स लिखा है, यहाँ पे आपको साइन मिल जाता है। यहाँ पे क्रिएट ब्लॉग करना है सबसे पहले आपको, आपको यहाँ पे सबसे पहले टाइटल डालना है यहाँ पे अपना। तो टाइटल अगर हम एग्जांपल के लिए आपको दिखाएं तो अपना टाइटल आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे हम प्ले टेक्निकल रख देते हैं टाइटल, ये टाइटल रख दिया हमने प्ले टेक्निकल। ये टाइटल डालने के बाद नेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाद आपको यूआरएल सेलेक्ट करना है अपना, जैसे आप कर लेंगे तो यहाँ पे आपको सेव कर दे रहा है। सेव करने के बाद जैसे देख सकते हो आपका यूआरएल ये क्रिएट हो गया। आप इस यूआरएल से अपने वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आप देख सकते हैं एक प्लस का साइन आ रखा है, प्लस के साइन पर आपको टच करना है सिंपली। यहाँ पर आपको अब सीधा अपना एक पोस्ट क्रिएट करना है। आप जिससे भी रिलेटेड अपना कैटेगरी के वाइज आप जो भी बनाते हैं अपना ब्लॉग, उससे आपको पोस्ट रिलेटेड पोस्ट क्रिएट करना है। तो जैसे पोस्ट हम डालते हैं जैसे हाउ टू अर्न मनी, जैसे हमने गाइज ये पोस्ट डाल दिया, ये हमारा टाइटल हो गया। तो जैसे ये टाइटल है गाइज, अगर आप इसकी SEO अगर अच्छे से करते हैं तो इस टाइटल से आपको सर्च मिलेगा, आपके पास व्यूवर्स आएंगे आपकी वेबसाइट पे और आपकी अर्निंग होगी। तो गाइस इस तरीके से आपकी अर्निंग होती है। यहाँ पे आपने जैसे टाइटल डाल दिया, उसके बाद आप इसके यहाँ पे कैप्शन वगैरह सब कुछ लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद एक इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे सारा ऑप्शन मिल जाता है आपको, देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल ऑप्शन है गाइस। अगर आप यहाँ पे एक एक बार टच करके देखेंगे तो सारे ऑप्शन को आपको समझ में आ जाएगी किस ऑप्शन से क्या होता है। तो यहाँ पर आप अपने फ़ोन के अंदर कंट्रोल कर सकते हैं इसको। आप डेस्कटॉप मोड पर वेबसाइट को खोल लीजिए, गूगल क्रोम पर चला सकते हैं, फायरफॉक्स के अंदर मैं अभी चला रहा हूँ और आप गूगल क्रोम के अंदर भी चला सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कैप्शन वगैरह डाल के, जैसे मैं अभी कुछ भी डाल देता हूँ, हम हाउ टू अर्न मनी लिख देते हैं जैसे वापस से एग्जांपल के, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन फ्रॉम होम, जैसे आपने ये डाल दिया। इसको थोड़ा बोल्ड कर सकते हैं ऑल सेलेक्ट करके, ऑल सेलेक्ट करना है आपको, यहाँ पर बोल्ड कर सकते हैं इसको थोड़ा। उसके बाद आपको यहाँ पर एक इमेज सेलेक्ट करनी है, इमेज यहाँ पे मिलेगी आपको, यहाँ से आप इमेज डाल सकते हैं। देखा हमने कोई भी ऐड इमेज करना है, यहाँ से अपलोड यहाँ से होगी गाइस, यहाँ से चूज़ करना है अलाउ। इमेज हम जैसे ये ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, सिर्फ एग्जांपल के लिए गाइस मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। इस तरीके से आप यहाँ पे इमेज लगा के इसको पब्लिश कर देंगे। यहाँ पे आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं इसका कि आपकी वेबसाइट कैसे शो कर रही है।
पब्लिश करने के बाद यहाँ पर कंफर्म करेंगे आपकी पोस्ट पब्लिश हो जाएगी। उसके बाद अपनी पोस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ आपके नीचे व्यू ब्लॉक करके आप पोस्ट देख सकते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हैं, सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, पोस्ट स्टैट्स कमेंट अर्निंग पेज लेआउट थीम सेटिंग्स। अगर अर्निंग पर टच करते तो अर्निंग आपको गूगल एडसेंस से होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं मेरी पब्लिशर आईडी आ रही है। अगर आप न्यू यूज़र होंगे तो आपको यहाँ पे एडसेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा, एडसेंस अकाउंट के अंदर अर्निंग आती है गाइस, ये मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे पेज देख सकते हैं, थीम वगैरह आप अगर चेंज करना चाहें अपनी वेबसाइट का तो वो भी चेंज कर सकते हैं। ये वेबसाइट क्रिएट करने के बाद आप गाइस आपको एक स्पेशली यूआरएल मिल जाता है, उस यूआरएल से आपको आपने जो क्रिएट किया है आपका यूआरएल वही यूआरएल रहेगा, आप उससे सर्च कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को। यहाँ पे सारे ऑप्शन देख सकते हैं, लेआउट वगैरह सब मिलता है आपको। यहाँ पे व्यू ब्लॉक करते हैं तो व्यू ब्लॉक को भी आप देख सकते हैं किस तरह से आपकी ब्लॉग दिखेगी एकदम वेबसाइट की तरह। सो गाइस अगर आपकी वीडियो में अगर कुछ भी आपको समझ में आया तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं गाइस, काफ़ी फ्री वेबसाइट है, आपको यहाँ पे पैसे लगाने नहीं है बिल्कुल भी, अच्छी अच्छी वेबसाइट मिल जाएगी ऐसे आपको और भी। लेकिन ये ब्लॉगर्स है जो कि आप पी के टाइम पे आप काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं इस वेबसाइट पे। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई भी इंक्वायरी अगर आपकी रहती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।